हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज बात करते हैं बजाज फिनसर्व पर। आज इसके फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आउट हुए हैं, तो चलिए देखते हैं इसके जो रिजल्ट्स हैं वो किस प्रकार आए हैं। और इस PDF का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहां से जाके आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसमें जितने भी फिगर्स हैं वो सभी करोड़ में दिए हैं। ये क्वार्टर टू के रिजल्ट्स हैं और ये क्वार्टर वन के रिजल्ट्स हैं और ये एक साल पहले के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स हैं। सो देखते हैं कंपनी की जो क्वार्टर टू में क्या इनकम निकल के आई है। टोटल इनकम क्वार्टर टू में 20,803 करोड़ के अराउंड में कंपनी की है। वहीं अगर एक क्वार्टर पहले से बात करें जहां 15,888 करोड़ के अराउंड में थी, और वहीं अगर एक साल पहले हम देखें जहां 18,008 करोड़ के अराउंड कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो थी। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो यहां पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है हमें, जो कि ऑलमोस्ट 16% का ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने रजिस्टर किया है। तो अगर बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की, तो क्वार्टर टू में 16,545 करोड़ के अराउंड कंपनी के टोटल एक्सपेंस निकल के आए हैं। और अगर क्वार्टर वन में बात करें 12,294 करोड़ के अराउंड कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस थे। वहीं एक साल पहले से बात करते हैं जहां 15,215 करोड़ के अराउंड कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस थे। तो बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। सो क्वार्टर टू में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंपनी का 2,996 करोड़ के अराउंड में है। वहीं अगर प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें जहां पे 2,577 करोड़ के अराउंड में था, वहीं अगर एक साल पहले से कंपेयर करें जहां 1,997 करोड़ के अराउंड में कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थे। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखेंगे तो भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करते हैं तो भी हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। अगर अदरवाइज अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात करते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर की। क्वार्टर टू में 9.8 रुपीज़ के अराउंड में अर्निंग पर शेयर है। वहीं अगर बात करें प्रीवियस क्वार्टर में जहां क्वार्टर वन था वहां पे 8.2 रुपीज़ के अराउंड में है। अगर वहीं एक साल पहले के क्वार्टर टू से कंपेयर करें जहां 7 रुपये के अराउंड में कंपनी के EPS थे, तो डेफिनेटली जो कंपनी का जो प्रॉफिट है और सेल्स है लगातार इम्प्रूव करती जा रही है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इस क्वार्टर में। तो देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर पर मार्केट का क्या प्रभाव पड़ता है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching my video.